अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र की नई बस्ती में संघ नेता के छोटे भाई की दोस्तों ने रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी। संघ नेता ने चुनाव प्रचार के विवाद के चलते लगाया हत्या का आरोप। थाना बन्ना देवी क्षेत्र की पृथ्वीराज नगर कॉलोनी में शशि चौहान अपने परिवार के साथ रहते थे। शशि के बड़े भाई संगनित इंद्रहास चौहान थाना चंडौस इलाके में पैतृक उमरी में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। गत दिनों की शशि और उसके दोस्त अरसी के साथ चुनाव प्रचार को लेकर विवाद हो गया था। उस समय लोगों ने मध्यस्थता कर सुलह करा दी। रविवार सायं स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के बाद साजिश के तहत शकील और साजिद शशि को घर में बुला कर ले गए। नई बस्ती में पहुंचने पर अरसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना के तहत रंजिशन शशि की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की ओर घटना को अंजाम देने वाले दो आपस में मित्र थे। पूर्व में भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। रविवार को शाम भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और नामजदों ने शशि की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर शकील और साजिद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। सभी लोग मौके पर गए थे, हॉस्पिटल गए थे। जानकारी ये हुई है कि मृतक और जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, ये दोनों ही मित्र थे और इन लोगों का साथ उठना बैठना था। कल भी शाम को ये लोग एक साथ ही बैठे थे। हत्या आरोपी का भाई भी था, दो और लोग भी थे। किसी बात पे वाद विवाद में हत्या आरोपी ने अपने कट्टे से गोली मारी जो इनको लग गई। वही लोग इन्हें लेके हॉस्पिटल भी आए, भर्ती कराया, करीब एक घंटे इलाज हुआ, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। राजनीतिक नहीं इसमें राजनीतिक तो अभी फिलहाल नहीं कुछ समझ में आ रहा है। जो कल हत्या आरोपी के बड़े भाई और उसका एक साथी जो मौके पर थे, इन लोगों ने ये बताया था कि किसी वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन था उसके सपोर्ट और दूसरे वार्ड मेंबर का विरोध करने को लेके आज से 10-12 दिन पहले इसी तरह शराब पीने के बाद इन लोगों में झगड़ा हुआ था। इसके अलावा कोई दूसरी रंजिश ऐसी बताई नहीं गई। चुनावी रंजिश निकल के आ रही है। चुनावी रंजिश की भी बात कर उन लोगों ने, इस तरह की कोई बात बताई नहीं। भाई का कहना है कि वो FIR में उन्होंने लिखा है, लेकिन कल जब प्राइमा फेसी पूछताछ हम लोग कर रहे थे उन लोगों से तो ये बात नहीं आई थी सामने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग कोई क्लोज डोर वाले लोग हों, ये उनको सब मोहल्ले में और इलाके में इन दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह की कोई बात अगर होगी तो वो विवेचना में प्रकाश में आ जाएगी। इसमें जो FIR में दो लोगों को और नामजद किया गया है जो उसको घर से बुला के ले गए थे, शकील को और दूसरे लड़के को, इनको ये लोग वहीं अस्पताल में थे, उसके साथ ही साथ थे, तो इनको अरेस्ट किया गया है। इनसे पूछताछ कर रहे हैं और हत्या आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।